अनिल लाठौर आपका स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आज मिलवाऊंगा आपसे विनोद भाई जी से, जो कि मेरे पास यूपी दादरी से स्पेशली मिलने के लिए आए हैं। और ये लॉकडाउन की वजह से इनकी जॉब छूट चुकी थी और ये बिजनेस करना चाहते हैं। इन्होंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर रखा था, लेकिन मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद स्पेशली मेरे पास उत्तम नगर नवादा मेट्रो स्टेशन है, जो नवादा मेट्रो स्टेशन से सीधा जाएंगे 753 पिलर नंबर से आगे पीपल वाले रोड पर मेरी सुंदर कैटर्स के नाम से दुकान है। तो ये स्पेशली मेरे से मिलने आज दादरी से आए, मुझे पता भी नहीं था। इन्होंने कॉल की कि मैं आ गया हूँ, उसके बाद मेरे पास आए और ये बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हैं हमारे से जुड़कर। तो बिजनेस क्या क्या करेंगे, ये क्या बिजनेस है इसके बारे में बताऊंगा। और ये आइटम्स मेरे पास से कुछ सैंपल ले जा रहे हैं, वो क्या सैंपल है मैं वो भी बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ और विनोद भाई से मिलवाता हूँ। विनोद भाई, आप जब आए हो मेरे पास, सबसे पहले आपको मेरी दुकान के बारे में कहाँ से पता लगा? देखो मैं एक्चुअली में क्या ना परेशान चल रहा था, है ही नहीं हाथ में, तो मुझे मेहनत तो करनी थी, अब मुझे बच्चे भी पाए जाते, तो मैं फिर सर्च कर रहा था ऐसे ही, तो मुझे यूट्यूब से पता चला। मैंने सर्च कर रहा था गूगल से, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा आपका, तो मैंने संपर्क किया और आज मैं आपको 3 दिन बाद पहले हुआ था संपर्क आ जाए। जैसा कि विनोद भाई ने बताया कि यूट्यूब पर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, काफ़ी बिजनेस ढूंढने के बाद यूट्यूब पे मेरी वीडियो लगी, इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो मैं बताना चाहूँगा। विनोद भाई नहीं, काफ़ी सारे भाई मेरे साथ जुड़कर अभी व्यापार कर रहे हैं और कईयों की कॉल आ रही है जो कि व्यापार करना चाहते हैं। विनोद भाई जो बिजनेस करेंगे मेरे साथ जुड़कर, ये आए थे काफ़ी देर होगी बैठे इनको, तो इन्होंने कुछ सैंपल लिए हैं मेरे से और ये वहाँ पर बिजनेस शुरू करेंगे दादरी के अंदर। जो कि बिजनेस है इनका, जो विनोद भाई आपने जो सैंपल लिए हमारे से, वो क्या क्या लिए हैं? मैंने कुछ बिस्किट्स लिए हैं, पूरे कुकीज टाइप के सारे नमकीन लिए हैं, कुछ नमक वाले हैं और गाठियाँ हैं, ऐसे कहते हैं 10-12 आइटम मैंने। कहने का मतलब बिस्कुट, सभी प्रकार के बिस्कुट ये होलसेल में ले जाएंगे हमारे से, नमकीन है सभी प्रकार की, और जो शादी का सगन का बॉक्स जो हमारे यहाँ पे पॉपुलर है, जो कि हम पूरी दिल्ली में सप्लाई देते हैं, उसके आइटम्स हैं जैसे शक्कर पारे, गुड़ पारे, मट्टी, नमकीन काजू, या बूंदी का लड्डू, जोधपुर का तिरंगा लड्डू और ये नमक पारे, ये इस चीज़ का भी होलसेल का काम चालू करेंगे, जो कि हमारे यहाँ से कुछ सैंपल ले जा रहे हैं, वो सैंपल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो विनोद भाई वहाँ पे भी बिस्कुट की काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो वहाँ पे मैंने सुना है काफ़ी सारी फैक्ट्री, लेकिन उनके रेट कुछ हटकर हैं या क्वालिटी वगैरह? रेट और क्वालिटी तो मैं यहाँ देखा कि मुझे अनबीटेबल लगा, काफ़ी महंगा है वहाँ पे, तो एवरेज आ जाएगा। मैं तो उम्मीद यही कर रहा हूँ, ट्यूनर को लगा कि मैंने वहाँ चेक किया तो उस हिसाब से तो रेट मुझे अच्छे नहीं। विनोद भाई का कहना है कि जो रेट जो हमने रखे हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर है, और ये भाई भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करेंगे वहाँ पर। ये कहना, इनका कहने का मतलब है कि ये अपने कस्टमरों को कम दाम में माल बेचेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही। इन्होंने जो सैंपल पैक कराए हैं वो मैं बताता हूँ, ये कि नमक पा रहे हैं सैंपल में ले जा रहे हैं दुकानदार भाइयों से ऑर्डर के लिए, ये नमकीन है हमारे पास जो कि गाठिया है, बहुत ही अच्छी नमकीन है, ये सैंपल के लिए थोड़ी थोड़ी इन्होंने पैक कराई है। ये है मद्रासी, बारीक मद्रासी नमकीन, ये भी नमकीन है, ये शक्कर पारे हैं जो कि भाजी के बॉक्स में डाले जाते हैं, हमारे पास अवेलेबल होते हैं होलसेल रेट में, जो कि काफ़ी सारे दिल्ली में हमारी डिलीवरी पर घर बैठे मंगाते हैं, भाजी के बॉक्स शक्कर के साथ देते हैं, और कई फैंसी बॉक्स हैं हमारे पास। गुड़ पारे ये फैंसी बिल्कुल अच्छे स्वादिष्ट होते हैं, ऐसे ही कई प्रोडक्ट्स हैं इनकी, मट्टियाँ हैं, ये नमकीन काजू हैं जिनकी मैं बात कर रहा था अभी, नमकीन काजू, और ये बिस्कुट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं दावा करता हूं कि मेरे पास जो आने की वजह है इनकी, वो पूरी दिल्ली से कम दाम में, कोई मैं दावा करता हूं कोई नहीं दे पाएगा कम, नो प्रॉफिट और नो लॉस पे, और क्वालिटी एक नंबर स्वादिष्ट, और हर बिस्कुट का वजन 300 ग्राम होता है। तो विनोद भाई यहां पर आके खुश हुए हैं, संतुष्ट हुए हैं, इन्होंने सैंपल ले लिए हैं और ये आगे ऑर्डर देंगे। अगर दादरी में कोई भाई भी इनसे लेना चाहता है तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ का जो भी कोई माल लेना चाहता है, बेचना चाहता है, विनोद भाई से संपर्क कर सकते हैं। विनोद भाई यहाँ पे आके आपको कैसा लगा?
बाकी रेट वहाँ से आप दादरी से आए थे आपने बेस्ट है, रेट का तो कोई मैच ही नहीं। और क्वालिटी कैसी लगी आपको आपने रेट के हिसाब से? क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्वालिटी को देखने में पता चल जाता है प्रोडक्ट की खुशबू जो है अलग है। विनोद भाई ने बताया कि क्वालिटी और रेट बहुत ही अच्छे लगे और ये मैं अपने वहाँ क्षेत्र में मैं खुद भी बेचूंगा और जितने भी सेलमैन भाई हैं सबको मार दूंगा और नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही देंगे। वो भी ज़्यादा नहीं कमाना चाहते, वो चाहते हैं कि समाज सेवा करूं, किस तरह करूं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर कोई भाई काम का इच्छुक है, काम करना चाहता है या उनके पास काम नहीं है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन भाइयों का फ़ायदा हो सके और मेरे साथ जुड़कर वो भी काम करें ताकि उनका भी फायदा हो। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं सुनील राठौर फूड फूड दिल्ली से आशा करता हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। विनोद भाई कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबरों को? हाँ भाई, अगर किसी को भी कोई क्वेरी है जरूर क्वेरी करें, बहुत ही सपोर्टिव है सुंदर भाई, बहुत अच्छे से समझाते हैं, आपको समाधान जरूर मिलेगा अगर आप। विनोद भाई का मैंने एक से डेढ़ घंटा लिया, मैंने कोई बातचीत नहीं करी, माल पहले इनको दिखाया उसके बाद काफ़ी समझाया, कोई बिल्कुल संतुष्टि करने के बाद मैंने इनको माल दिखा दिया। अब ये ऑर्डर हमें देंगे और माल इनका अपने आप घर बैठे पहुंचेगा। दोस्तों ये भी मार्केट शुरू कर देंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। Thank you.